फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। अब हम लोग देखेंगे यूनिट के बारे में, मतलब हम लोग कैसे पहचानेंगे एक क्वेश्चन में कि दिया हुआ चीज टाइम है, डिस्टेंस है या स्पीड है। ठीक है, जैसे दे दिया गया है कि 15 किलोमीटर, एक गाड़ी है जो 15 किलोमीटर चलती है 3 आवर में, है ना। तो अब इसका स्पीड निकालिए, तो हमको यहाँ पर कैसे समझ में आएगा कि क्या चीज डिस्टेंस है और क्या चीज टाइम है। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए हम लोग समझते हैं एक डायमेंशन, डायमेंशन और उसका यूनिट। ठीक है, डायमेंशन और यूनिट। तो डायमेंशन क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इसका एक डिस्टेंस को हम लोग किस चीज में नापते हैं, मीटर में और किलोमीटर में। ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है हम लोग का, डिस्टेंस हम लोग मीटर में नापेंगे या तो फिर किलोमीटर में नापेंगे। सेम टू सेम ऐसे टाइम है, टाइम एक डायमेंशन है जिसको हम लोग मेजर करते हैं किसमें, सेकेंड्स में या तो फिर आवर में, है ना। आवर्स, आवर को हम लोग एच आर भी लिखते हैं, सेकेंड को हम लोग एस लिखते हैं, आवर को एच आर लिखते हैं, है ना। ये मीटर है, ये किलोमीटर है। ऐसे ही हम लोग स्पीड, स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में और किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, स्पीड को हम लोग मीटर पर सेकेंड में या किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि हम लोग को जब भी यहां पर समझना होगा कि ये क्या चीज है, ये टाइम है, डिस्टेंस है या स्पीड है, तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे, किलोमीटर है, किलोमीटर किस में आता है, तो किलोमीटर डिस्टेंस में आता है। हम देखेंगे किलोमीटर डिस्टेंस में आता है, इसका मतलब ये क्या चीज है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, और ये क्या है, आवर लिखा हुआ है, आवर किसमें आता है, टाइम में आता है। तो हम लोग देखेंगे टाइम में क्या है, आवर है, तो ये हो गया 3 आवर, है ना। समझ में आ गया, डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। अब हम लोग पिछला क्लास लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो स्पीड निकालना है। डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस कितना है, 15 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया हुआ है, 3 आवर। अब ये चीज को हम लोग काटेंगे, 3 × 3, 3 × 5 = 15 निकलेगा कितना, स्पीड इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ में आ गया, स्पीड इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग यहाँ पर पूछा था कि स्पीड कितना है, डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया और स्पीड पूछा था, स्पीड हम लोग निकाल दिए। तो हम लोग पहचानेंगे उसके यूनिट से, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। और किसका यूनिट है ये, टाइम का, टाइम का यूनिट है ये आवर, और डिस्टेंस का यूनिट है किलोमीटर। तो हम लोग यूनिट देख करके पहचान जाएंगे कि ये टाइम है, कि स्पीड है या डिस्टेंस है। ठीक है, और पहचानने के बाद हम लोग उसको फॉर्मूला में बैठाएंगे और फॉर्मूला में पुट करने के बाद काटेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।